नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल जेड टेक्निकल में। दोस्तों, मेरा नाम है जितेंद्र दुबे और आज की वीडियो में मैं आप सबको बताने वाला हूँ कि आप अगर सैमसंग गैलेक्सी M10 या LG W10 का स्मार्टफोन लेना चाहते हैं तो दोस्तों, एक हमारे पहले वीडियो मैंने किसका दोनों का कंपेरिजन किया हुआ था। इसके में एक यूज़र ने हमें कमेंट किया इसकी बैटरी टेस्टिंग और बैटरी के बारे में बताने के लिए। दोस्तों, मैं आपको इसी के बारे में आज की वीडियो में बताने वाला हूँ। दोस्तों, मैं आपको बता दूँ कि यहाँ पे जो भी बैटरी कैचअप है, यानी कि दोनों की बैटरी सेम है, 4000 mAh की बैटरी है और यहाँ पे दोनों बैटरी सेम है और दोनों परफॉर्मेंस भी सेम दिखने को मिलती है। लेकिन दोनों इस परफॉर्मेंस में क्या फर्क करता है, एक वीडियो में आज की वीडियो में आपको क्लियर हो जाएगा। दोस्तों, मैं आपको बता दूँ कि यहाँ पे पहले मैं लेता हूँ LG W10। दोस्तों, मैं बता दूं कि यहाँ पे 4000 mAh की जो बैटरी है, उस बैटरी के अथॉर्डिंग देखा जाए तो उसमें अगर कॉलिंग की सुविधा को लेता जाए तो कॉलिंग के लिए बेस्ट है W10 की बैटरी। अगर वहीं अगर बात करें सैमसंग गैलेक्सी M10 के लिए तो वहाँ तो थोड़ा 1-2% का गैचअप कम मिलता है। अगर हम वही बात कर लें अगर W10 को लेकर के LG W10 के लिए तो वहाँ पर दोस्तों अगर गेमिंग के लिए देखा जाता तो गेमिंग के लिए बेटर होता है LG W10, क्योंकि यहाँ पे W10 गेमिंग के लिए इसलिए बेटर रहा क्योंकि आप गेम खेलते हो तो आपको यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगी यहाँ पे। लेकिन हाँ, एक बात है कि अगर आप बैटरी जब भी आप LG W10 में आप गेम खेलते हैं तो उसके जैसे कि पबजी एक हैवी गेम है जिसकी वजह से बैटरी अधिक यूज होने वजह से मोबाइल फ़ोन का अंदर गर्म होने लगता है, हीट होने लगता है। लेकिन दोस्तों, अगर वही हम बात करें अगर सैमसंग गैलेक्सी M10 के बारे में तो M10 में दोस्तों आपको ये चीज़ देखने को नहीं मिलेगी, ना ही यहाँ पे पबजी खेलते वक्त ना ही लैग करता है फ़ोन और ना ही यहाँ पे कोई फ़ोन हीट जल्दी होता है। जो तो यहाँ पे एक प्लस पॉइंट दिख जाता है सैमसंग गैलेक्सी M10 में। अगर हम वही बात करें गैलेक्सी को लेकर के तो वहाँ दोस्तों अगर कॉलिंग और गेम को अगर मिला कंपेरिजन किया तो यहाँ पे अधिक एक माइनस रिटर्न करता है M10 को अधिक प्रॉफिट होता है, क्योंकि M10 में दोस्तों यहाँ पे जो हीटिंग होती है वो यहाँ पे दोस्तों उतना दिखने को नहीं मिलती है M10 में, क्योंकि सैमसंग गैलेक्सी M10 तो कोई भी नया गेम खेलते हो कोई भी दिक्कतें प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होती है। हम बात करें अगर कितने देर में और कितनी चार्जिंग होती है और कितना इसे कैप्चर यानी कि इसको इस बैटरी को कितना देर तक चला सकते हैं, इसके में दोस्तों मैं बता दूं कि यहाँ पे सैमसंग गैलेक्सी आपको अगर आप 20% से 100% का चाहते हैं बैटरी को चार्ज लगा करके तो वहाँ पे आपको शॉर्टली में जल्दी ही आपकी बैटरी चार्ज होती है, यानी 2 घंटे में बैटरी फुल चार्ज हो जाती है और काफ़ी देर तक यानी 24 घंटे के अंतराल तक पूरी चलती है गेम खेलने के बावजूद भी। यानी गेम अगर ज़्यादा गेम करते हैं दो तीन घंटे गेम करते हैं और कॉलिंग करते हैं और कुछ वीडियोज़ देखते हैं तो यहाँ पे आपको 24 घंटे वीडियो कैचअप मिल जाती है, 24 घंटे तक वीडियो यानी 24 घंटे आपकी बैटरी चलती है M10 को लेकर के। W10 में दोस्तों यहाँ पे कुछ 2% का गिरावट मिलता है क्योंकि यहाँ पे गेमिंग को लेकर मोबाइल हीट होती है, हीट होने की वजह से मोबाइल स्लो काम करती है, उसमें नेटवर्क अच्छा से अच्छा पता है, इसकी वजह से बैटरी जल्दी डाउन जाती है और इसकी वजह से LG10 में कहीं 2% का बैचअप कम हो जाता है। वहीं देखा जाए M10 को लेकर तो M10 में यहाँ पे कॉलिंग से लेकर के गेमिंग तक के लिए बहुत ही परफॉर्मेंस का अच्छा होता है, लेकिन यहाँ पे W10 में कहीं वहीं अगर आप YouTube वीडियो चलाते हैं, ट्विटर वीडियो चलाते हैं, पबजी खेलते हैं, कॉलिंग करते हैं, सारी चीज़ मिला करके आपको यहाँ पे करीबन 22 घंटे तक का एवरेज अच्छा खासा मिल जाता है W10 में। अगर वहीं बात करें M10 को तो यहाँ पे आपको 24 घंटे का एवरेज टाइम मिल जाता है क्योंकि यहाँ पे इसमें हीटिंग की प्रॉब्लम कुछ कम है और उसमें हीटिंग प्रॉब्लम कुछ ज़्यादा रहती है क्योंकि गेमिंग के तो मोबाइल ज़्यादा हीट होती है। तो वहीं दोस्तों तो इसमें से दोनों मैं आपको बताऊँ कि इसमें से बेस्ट स्मार्टफोन अगर लिया जाता है, दोनों फोनों में से कोई एक फोन लिया जाता है तो इसमें इसके लिए मैं आपको बोलूँगा कि आप सैमसंग गैलेक्सी M10 को ले सकते हैं क्योंकि यहाँ पे एक तरीके से अच्छा स्मार्टफोन है सैमसंग गैलेक्सी M10। मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूँ क्योंकि ये ब्रांड है इसकी कंपनी की, लेकिन मैं तो इसलिए बोला हूँ कि ये एक अच्छा स्मार्टफोन है क्योंकि यहाँ पे इसकी बैटरी कचर मिलती है और साथ में इसका जो प्रोसेसर है वो भी अच्छा है और साथ में इसकी कैमरा लैगिंग भी अच्छी थी क्योंकि यहाँ पे कैमरा इसका लैग वो कुछ नहीं होता है और अच्छे परफॉर्मेंस करते हैं इसके कैमरे की क्वालिटी भी। दोस्तों, यहाँ मैं आप लोग यही सलाह दूंगा कि अगर आप लेते हैं दोनों स्मार्टफोन से कोई एक स्मार्टफोन तो सैमसंग गैलेक्सी M10 को आप ले सकते हैं, परचेस कर सकते हैं। तो उम्मीद है दोस्तों कि आप सबको ये सब जानने के बाद आपको आप ले सकते हैं कोई फ़ोन। लेकिन मैं यहाँ पे एक बात और चाहूँगा कि हाँ, मैं दो फोनों को अलग अलग पार्ट में रखा है, आपको वो सब फोन स्मार्टफोन अच्छा लगता है आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि LG 10 लगता है या फिर M10 लगता है।
दोस्तों हमें दोनों दोनों फोनों को सामने रखते हुए आप बता दीजिए कौन सा फोन आपको ज्यादा पसंद आता है, आपके लिए कौन सा बेस्ट फोन है। तो ये दोस्तों कुछ थी आज की वीडियोस में जो कि आप लोग बताना चाहता था। तो उम्मीद है दोस्तों कि ये वीडियो आप लोग हमें लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा लोगों का शेयर कीजिएगा, चैनल पर मैं नया था चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा, क्योंकि आने वाले दिनों में आपको ऐसी वीडियोस मिलती रहेंगी। चलिए दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं किसी ने तब तक के लिए, तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार और बने रहे।